चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। रायपुर से इस वक्त मिल रहे बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के साथ दो कारोबारियों ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों ने कारोबारियों से 1.25 करोड़ का माल खरीदकर 48 लाख का भुगतान अब तक नहीं किया। आरोपियों ने भुगतान का झांसा देकर चेक थमा दिया। आरोपियों के चेक बाउंस हो गए और उसके बाद प्रार्थी ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है। खमहरजी थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला 420 का केस दर्ज कर लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हेमंत शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेमंत, आए दिन धोखाधड़ी 420 के मामले राजधानी रायपुर से सामने आते हैं, दो मामले फिर से सामने आ गए। हाँ, देखिए जो इस बार ठगी का जो मामला है वो खमहरजी थाना इलाके का है। एक सीमेंट और लोहे का कारोबारी है, उसके पास से जो दो आरोपी हैं प्रफुल्ल पटेल और मणिराम पटेल, दोनों ने 1.07 करोड़ के करीबन जो माल है वो लिया था और 87 लाख का ही भुगतान उन्होंने किया और बाकी जो पैसे बचे थे वो चेक के माध्यम से उन्होंने भुगतान करने की बात कही थी। और इसके लिए बकायदा 48 और 25 लाख का चेक प्रार्थी को उन्होंने दिया था, लेकिन जब प्रार्थी बैंक पहुंचा और बैंक में जब वो चेक को उन्होंने लगाया तो वो चेक बाउंस हो गया। इस तरीके से लगभग 72 लाख रुपए की धोखाधड़ी आरोपियों ने की है और अभी इसमें जांच चल रही है। जो इसमें एक आरोपी है प्रफुल्ल पटेल, वो लगभग 8 महीने से फरार बताया जा रहा है। पुलिस का क्या कुछ कहना, कब तक गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि एक आध मामला नहीं, आए दिन इस तरह की धोखाधड़ी 420 के मामले सामने आते रहते हैं और पुलिस जांच पड़ताल में लगी रहती है, लेकिन हाथ बहुत ज्यादा कुछ लगता नहीं। देखिए, आपने सही कहा, क्योंकि राजधानी के हर थानों की बात है कि लगभग 10 से ज्यादा जो धोखाधड़ी के मामले हर थानों में पेंडिंग है। या तो आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है या तो उसमें जो प्रार्थी है वो सामने नहीं आया है। तो अभी इस मामले की अगर बात की जाए तो जो एक आरोपी है मणिराम पटेल, अब उसको कुछ देर में गिरफ्तार पुलिस कर लेगी क्योंकि वो रायपुर में उसका लोकेशन मिल चुका है, लेकिन जो दूसरा आरोपी है प्रफुल्ल पटेल वो 8 महीने से फरार है, उसका भी जो लोकेशन है वो पुलिस लेने की कोशिश कर रही है। चलिए नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो सप्लायर ने पुलिस से शिकायत की है इस पूरे मामले की, एक की गिरफ्तारी अब से कुछ ही देर में हो जाएगी क्योंकि उसकी लोकेशन का ट्रेस कर लिया गया है। रायपुर उसकी लोकेशन इस वक्त फाइंड आउट की गई है, उसके बाद इसकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन जो एक दूसरा आरोपी है, जो एक दूसरा ठग है, वो पिछले 8 महीने से फरार है, जिसको ट्रेस करने में अब तक रायपुर पुलिस नाकाम साबित हो रही है।